एट मैथ्स हिंदी मीडियम चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.3 अपने तो इसका हमको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 अपन यहां पर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बुक में देखो आप, डेनियल एक ऐसे घनाभागार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो ये घनाभागार कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपने पास है, तो वो चारों दीवारों और कमरे की छत को पेंट करना चाह रहा है। तो कमरे की चारों दीवारों तथा छत का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 × L + B × H और छत का क्षेत्रफल L × B मतलब लंबाई × चौड़ाई, तो L का मान 15, B का 10 इंटू एच का मान 7, 15 × 10 2 × 25 × 7 50 × 7 + 150 इसको सोल्व कराते आ गया 500 m². अब यहाँ पर पूछा है केनों की संख्या, कितनी केनों की जरूरत होगी, तो केनों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो देखो एक केन जो है 100 cm एरिया, 100 m² एरिया को पेंट कर देती है, तो केनों की संख्या होगी कुल एरिया बटे 100। बुक में दे रखा है 100 m² एरिया को एक केन पेंट कर देती है, तो बाहर दिया तो आ गया 5 केन, तो यही अपना आंसर है। इसी तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है वर्णन कीजिए दाई तरफ दी गई आकृतियां, दो आकृतियां आपको दे रखी है, ये किस प्रकार समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। तो इनमें समानता क्या है दोनों में, कि दोनों की ऊंचाई बराबर है, ये तो इन दोनों में हो गई समानता। और भिन्नता क्या है कि एक बेलन है और दूसरा दूसरे का आकार घन है, दूसरा घन के आकार का है और एक बेलन के आकार का है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो यहाँ पर बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा लेंगे। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय का मतलब होता है वक्र पृष्ठीय है, तो वक्र पृष्ठीय बोलो चाहे पार्श्व पृष्ठीय बोलो एक ही बात है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 2πr h। ये अपन इसमें सूत्र लगा लेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन ये घन है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4a² ठीक है, 4a² इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको कंप्लीट करना है और इससे 3 क्वेश्चन है जिसको अपन कल करेंगे। मिलते हैं कल लाइव क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।